Hello, my dear students. How are you? I hope you all are fine. So today we are reading chapter 2 of our science book. That's name is Components of Food. So shall we start? Okay. In chapter 1, we made list of the food items that we eat. Chapter 1 सभी ने पढ़ा हुआ है. जो भी बच्चे अभी नए जुड़े हैं हमसे, वो chapter 1 को पढ़ने के बाद उसके बाद फिर second chapter को start करें. चैप्टर वन में हमने बहुत सारे फूड आइटम्स की बात की थी और उनकी एक लिस्ट भी बनाई थी जो हम खाते हैं. वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क दीज ऑन इट्स मैप. साथ में हमने भारत के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग हिस्सों में खाए जाने वाले भोजन को भी देखा था, उनकी भी लिस्ट बनाई थी और इंडिया के मैप पर उसको मार्क भी किया था. अ मील मतलब एक भोजन कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती दाल एंड ब्रिंजल करी. मतलब अगर आप एक टाइम के फूड की बात करें तो उस फूड प्लेट में क्या होगा, उसमें चपाती मतलब रोटी होगी, दाल होगी और मे बी इसमें ब्रिंजल करी हो. अनदर मे बी राइस. अच्छा, अब एक दूसरी स्टेट की दूसरी प्लेट में हम देखते हैं क्या हो सकता है. हो सकता है उसमें चावल हो, सांभर हो एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर या फिर भिंडी की सब्जी हो. येट अनदर मील कुड बी. अब हम एक और स्टेट में जाते हैं और उसका भोजन देखते हैं कि वहां पर थाली में क्या परोसा गया होगा. तो हो सकता है वहां पर अप्पम रखा हो, फिश करी रखी हो और वेजिटेबल्स हो. तो इस तरह से अगर हम इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में जाएंगे, अलग अलग कॉर्नर्स में जाएंगे और वहां जो लोग खाना खाते हैं उनकी प्लेट्स को देखेंगे तो हर किसी की प्लेट बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से सजी हुई होगी. किसी की थाली में एक जैसा फूड मटेरियल हमको नहीं मिलने वाला है. ये है भारत की डाइवर्सिटी. तो भारत की डाइवर्सिटी चाहे लैंग्वेज में हो तो भी बहुत है और अगर खाने में हो तो भी बहुत है. तो हम इंडिया के बारे में कहते ही हैं कि हमारा देश बहुत रंगीला है, तो हर तरह से रंगीला है. चलिए मूव ऑन टू एक्टिविटी नंबर 1. दिस इज योर एक्टिविटी 1. लेट्स सी इसमें क्या है. आवर मील्स यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन. जो भी भोजन हम खाते हैं किसी भी स्टेट में खाए जाने वाले भोजन में कम से कम एक डिश, एक आइटम जो है वो अनाज का बना हुआ ज़रूर होता है. जैसे हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो हमारे यहाँ मोस्ट कॉमन जो है वो गेहूं और चावल खाया जाता है. तो हम अपनी प्लेट को अगर देखें, अगर हम दोपहर में जो खाना खाते हैं उसमें रोटी होना मस्ट होता है, शाम में जो खाना खाते हैं उसमें पराठा होना मस्ट होता है, जिस दिन रोटी नहीं खाते हैं उस दिन हम राइस खाते हैं, तो हमारे यहाँ ग्रेन खाया जाता है. लाइकवाइज दूसरे स्टेट्स में भी कोई ना कोई ग्रेन या उसका आटा जरूर खाया जाता है. अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल. अब रोटी के साथ जो दूसरी चीज होगी वो इधर दाल हो सकती है और या कोई मीट की डिश हो सकती है या कोई सब्जी हो सकती है. इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड. अच्छा, तो एक तो हमारा मेन जो आइटम हो गया वो हो गया चपाती और दूसरा हो गया चपाती के साथ खाया जाने वाला कोई भी लिक्विड आइटम जैसे कि दाल है या फिर सब्जी है. अब इसके अलावा हमारी प्लेट में सिर्फ दो ही आइटम नहीं होते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी जिसे हम लिमिटेड क्वान्टिटी में खाते हैं. जैसे कर्ड होता है, दही भी खाते हैं हम, बटर मिल्क, छाछ भी पीते हैं एंड पिकल्स, और जिसको अचार पसंद है वो अचार भी खाते हैं. Some examples of meals from different regions are given in table 2.1. तो अलग अलग कुछ राज्यों के जो meals हैं वो table 2.1 में दिए हुए हैं. अभी हम उसको पढ़ते हैं. Select food items you depicted on the map in chapter 1. Add some more meals to this list and enter these in table 2.1. तो करना क्या है हमको map देखने की भी ज़रूरत नहीं है. वैसे तो हमें अलग अलग स्टेट में जाना है या अलग अलग स्टेट का फूड आइटम हमें आइडेंटिफाई करना है कि वहाँ पर क्या खाया जाता है और उस फूड आइटम को इस लिस्ट में हमें फिल करना है. समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी इन अवर मील. कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी प्लेट में कुछ एक या दो ही टाइप का कोई डिश होती है, हर तरीके का ये सारा सामान नहीं होता है. बट जब हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं तब हमारी प्लेट जो होती है वो एकदम देखने लायक होती है क्योंकि वो पूरी तरह से सजी हुई होती है. आपने देखा होगा ना उसमें पूड़ियाँ भी होती हैं, कचौड़ियाँ भी होती हैं, उसमें दो तरीके की सूखी सब्जी भी होती है, गीली सब्जी भी होती है, फिर उसमें दही भी होता है, अचार भी होता है, सलाद भी होता है, पापड़ भी होता है, मिठाई भी होती है. हाँ, मेरी लिस्ट तो ख़त्म ही नहीं होती.
तो ये अपने भारत में ऐसा खाना हम लोग खाते हैं, पूरा भर के थाली को हम सजाते हैं। तो जनरल घरों में तो दो ही मतलब जैसे ये थाली आप देख रहे हैं ना, तो इसमें दो रोटी रखी हुई है और दो तरीके की सब्जी रखी हुई है। तो जनरली जो हमारा रोज का खाना है वो इसी तरह का होता है, पर त्योहारों पे हम बहुत फैंसी डिश खाते हैं। इफ वी आर ट्रैवलिंग वी मे ईट वॉट एवर इज अवेलेबल ऑन द वे। अब ये तो है ही, अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर तो ये हमारा जो मर्जी है खाने की वो नहीं चल सकती है। जो कुछ भी रास्ते में अवेलेबल होता है हम वही खा लेते हैं। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वेराइटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। तो हर वक्त इतना सारा आइटम यानी कि इतना सारा फूड डिश खाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। ये तभी पॉसिबल होता है जब हम घर पर रहते हैं और घर पर इतना टेस्टी टेस्टी खाना बनाने वाली हमारी मम्मी रहती हैं। अदरवाइज अगर हम ऑफिस में रहते हैं तो ऑफिस में हमको इस तरह का खाना नहीं मिलता है। वहां पर बहुत सिंपल खाना हम खाते हैं। अगर हम ट्रैवलिंग करते हैं तो भी ट्रैवलिंग में भी हम सिंपल ही खाना खाते हैं। देयर मस्ट बी सम रीजन दो व्हाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब ये तो बात हो गई कि खाना इतना वैरायटी का होता है, ठीक है, लेकिन ये ऐसा खाना जो है वो हमारे देश में बहुत प्राचीन काल से खाया जाता रहा है। ये राजा महाराजाओं के समय से खाया जाता रहा है कि थाली में इतनी सारी जो डिशेस होती हैं उनका होना अच्छी बात भी मानी जाती है, जरूरी भी होता है। अब तो फिर भी बहुत कम डिशेस होती हैं, पहले के टाइम में तो पूरा बड़ा सा थाल पूरे डिश से भरा हुआ होता था। तो ये क्यों होता है? क्या ये दिखाने के लिए कि हम कितने अमीर हैं, हम कितने पैसे वाले हैं, या हमारे घर में देखो कितनी तरह से खाना बनाना आता है? नहीं, ये सारी चीजें इसलिए नहीं होती हैं, बल्कि इसलिए होती हैं ताकि हम प्लेट में अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का खाना रखेंगे और उसको खाने के बाद जो भी हमें न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो वो भी वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमको मिलेंगे। तो हर प्रकार का भोजन एक अलग न्यूट्रिएंट अपने अंदर रखता है जो हमारे बॉडी में जाता है। तो इसलिए हम किसी भी एक चीज़ को ज़्यादा मात्रा में खाने से बेहतर ये समझते हैं कि हम हर तरीके के न्यूट्रिएंट्स वाले फूड आइटम्स को थोड़ा 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 खाएं। तो देयर मस्ट बी सम रीज़न दो, तो इसके पीछे कारण है कि क्यों हमारा जो खाना है उसमें इतना डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इतनी उसमें मतलब इतनी तरह से उसको बांटा जाता है। डू यू थिंक दैट अवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पज़। तो क्या आपको लगता है कि हमारे शरीर को डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड अलग अलग तरीके के भोजन की ज़रूरत होती है अलग अलग प्रकार के कामों के लिए? बिल्कुल, हमारा शरीर मल्टीपल फंक्शन करता है, बहुत सारे काम करता है और अलग अलग तरह के कामों को करने के लिए उसको अलग अलग टाइप की एनर्जी या हम कह सकते हैं अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है ना। जो किसान होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं तो उनका खाना हमारे खाने से बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। जो लोग जिम ट्रेनिंग करते हैं वो भी बहुत हार्ड वर्क करते हैं तो उनका भी भोजन हमारे भोजन से अलग होना चाहिए। जो बच्चे होते हैं उनका भोजन बड़े लोगों के भोजन से अलग होना चाहिए। और जो सारा दिन ऑफिस में काम करते हैं जिनको कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करने का टाइम मिलता है उनका भोजन नॉर्मल आदमियों के भोजन से अलग होना चाहिए। तो जिस तरीके का वर्क हम करते हैं हमारा भोजन भी वैसा ही होना चाहिए। बट समस्या ये है कि घर में चूंकि सारा खाना मम्मी बनाती हैं तो मम्मी हर आदमी को अलग अलग तरह का खाना नहीं दे पाती हैं। तो इसलिए यही होता है कि घर में एक ही तरीके का खाना बन जाता है जिसको घर में रहने वाले परिवार के सारे लोग मिलकर खाते हैं। बट अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रिक्वायरमेंट हमारी यही कहती है कि उम्र और वर्क के अकॉर्डिंग हर आदमी का खाना डिफरेंट टाइप का होना चाहिए। अब हम चलते हैं टेबल 2.1 में और देखते हैं वहां हमें क्या पढ़ने के लिए मिलता है। टेबल 1.1 में दो रीजन या स्टेट के नाम दिए हुए हैं, एक पंजाब का और एक आंध्र प्रदेश का। पंजाब में जो ग्रेन खाया जाता है वो खाया जाता है मक्का, या हम कह सकते हैं मक्के की रोटी। मक्के की रोटी के साथ जो वो दाल और या फिर जो मीट वो लोग इस्तेमाल करते हैं वो है आपका राजमा, किडनी बीन्स जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, तो वो लोग राजमा भी खाते हैं। वैसे तो सरसों का साग खाते हैं लेकिन दाल के रूप में वो राजमा लेते हैं, और सब्जी के रूप में वो यहाँ पर आता है सरसों का साग यानी कि मस्टर्ड लीफ कड़ी। इसके साथ वो दूसरी चीज़ें और ऐड करते हैं, जैसे उनके साथ में थाली में दही होता है और बहुत सारा वो लोग घी खाना भी पसंद करते हैं। तो ये उनकी थाली का भोजन है। लेट्स गो टू अनदर स्टेट, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो उनका मेन ग्रेन है, स्टेपल ग्रेन है, वो है राइस। राइस के साथ वो तुअर की दाल खाना पसंद करते हैं या फिर रसम पीना पसंद करते हैं। तो रसम एक बहुत ही उनकी टेस्टी और बहुत ज़्यादा फेमस जो है वो दाल कह सकते हैं है।
वेजिटेबल में वो क्या खाते हैं? वो खाते हैं कुंदड़ू, और कुंदड़ू हमारे यूपी में भी आता है बट मतलब कॉमन नहीं है इतना, लेकिन वो लोग कुंदड़ू को ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके साथ उनके पास उनकी थाली में होता है बटर मिल्क होता है, घी होता है और अचार होता है। ठीक है, ये इंग्लिश में लिखे हुए हैं लेकिन वो जब अपनी आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा इस्तेमाल की जाती है तो तेलुगु लैंग्वेज में इन सारी चीज़ों को कुछ अलग नाम से बोला जाता है। उनके नाम नीचे दिए भी हुए हैं, आई थिंक जैसे रसम को चारू लिखा है और कुंदरू को दोंदा काई लिखा है और शायद अचार को लिखा है आवा काई। ठीक है, अब हमें एक और स्टेट का नाम लिखना है और उसमें हमें लिखना है कि वहां पर क्या खाया जाता है। दाल का नाम लिखना है और सब्जी का नाम लिखना है और अदर्स लिखना है। तो हम अपना स्टेट ले लेते हैं उत्तर प्रदेश में। आइटम ऑफ ग्रेन क्या हो जाएगा? व्हीट, क्योंकि हम लोग रोटी ज़्यादा खाते हैं। दाल हमारी कौन सी हो जाएगी? हमारी दाल जो हो जाएगी वो पीली वाली दाल जो सारे बच्चे पसंद करते हैं, अरहर की दाल कह सकते हैं हम उसे, पिजियन पी, या फिर हम लेंटल भी खाते हैं, मसूर की दाल भी खाते हैं। सब्जी में हम जनरली क्या क्या खाना पसंद करते हैं बताइए? दाल, रोटी, और उसके साथ हम खाना पसंद करते हैं सूखे आलू, है ना? तो हम पटेटो की सब्जी लिख सकते हैं, या कोई भी जो सीजनल हमारी सब्जी होती है तो हम काशीफल भी लिख सकते हैं, हम भिंडी भी लिख सकते हैं, अरवी भी लिख सकते हैं, जो भी हम लिखना चाहते हैं। हम लोग सब सारी सब्जियां खाते हैं आराम से। अब अदर्स में दही हमारे यहाँ भी कॉमन है, हम दही के साथ ही खाना खाते हैं। अचार हम लोग भी यूज़ करते हैं अपने स्टेट में, उसके साथ घी हमें भी बहुत पसंद है, तो अदर्स में हम ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारी टेबल थी 2.1। अब चलते हैं हम अपने 2.1 पोर्शन पे, उसमें क्या है देखते हैं। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन? अगर हम अलग अलग टाइप के भोजन की बात करें तो उसमें क्या होता है जिसकी वजह से हम उसको खाना प्रेफर करते हैं। वी नो दैट ईच डिश इज यूजली मेड अप ऑफ वन और मोर इन्ग्रीडियंट्स। अच्छा, ये तो हम जानते ही हैं कि जो भी डिश हम खाते हैं, जो भी खाना हम खाते हैं, वो उसमें जो इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं वो काफ़ी सारे मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। एक इंग्रेडिएंट से कोई चीज़ बनती नहीं है, और जो मिनिमम कम से कम इंग्रेडिएंट से बनी थी वो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, हमारे उबले हुए चावल, है ना, बॉइल्ड राइस जिसे हम बोलते थे। उसमें हमारे केवल दो इंग्रेडिएंट गए थे, एक चावल गया था और एक पानी गया था। लेकिन जनरली जो डिश बनती है उसमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं, जो कि हमें किससे मिलते हैं? प्लांट्स से मिलते हैं या एनिमल्स से मिलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय अवर बॉडी। अब ये जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करते हैं अपने खाने को बनाने के लिए, इन इंग्रेडिएंट्स में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी ज़रूरत, जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को होती है, और इन्हीं कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो ये वर्ड आपने बार बार सुना होगा, न्यूट्रिएंट क्या होता है। तो न्यूट्रिएंट के बारे में हम बोल सकते हैं कि न्यूट्रिएंट वे कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी ज़रूरत हमारे शरीर को बहुत सारे काम करने के लिए होती है। और ये कंपोनेंट्स हमें किससे मिलते हैं? ये कंपोनेंट्स हमें इंग्रेडिएंट से मिलते हैं, जिन इंग्रेडिएंट को यूज़ करके हम अपना भोजन बनाते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड आर नेम्ड। अच्छा, अब जो ज़्यादा मात्रा में जिन न्यूट्रिएंट्स को हम खाते हैं, ज़्यादा मात्रा में जिन कंपोनेंट्स को हमारे शरीर में ज़रूरत होती है, वो कौन से हैं? तो उनका नाम है, आप पहले भी जानते होंगे इन शब्दों को, कार्बोहाइड्रेट्स, ये एक न्यूट्रिएंट का नाम है, प्रोटीन, ये भी एक न्यूट्रिएंट का नाम है, फैट, वो वाला फैट नहीं, मोटा वाला, ये एक न्यूट्रिएंट का नाम है, ये अलग है फैट आपका, ये है विटामिन, आप विटामिन भी बोल सकते हैं, ये भी एक न्यूट्रिएंट है, और मिनरल्स, ये भी न्यूट्रिएंट्स हैं। तो ज़्यादा मात्रा में हमें इन चार पांच तरीके के न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। एक बार हम फिर से पढ़ लेंगे इनको, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन एडिशन, इसके अलावा फूड कंटेन्स डाइट्री फाइबर्स। फूड में ये सारी चीज़ें तो होती ही हैं, इसके साथ फूड में क्या होते हैं? बहुत सारे फाइबर्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? डाइट्री फाइबर्स, फाइबर्स एंड वाटर, और साथ में पानी तो होता ही है, विच आर ऑल्सो नीडेड बाय अवर बॉडी। इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत भी हमारे शरीर को होती है, मतलब हमें कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, प्रोटीन्स भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, फाइबर्स भी चाहिए और पानी भी चाहिए। और इन सब की एक क्वांटिटी का मेजरमेंट जो है वो फिक्स है कि ये कितनी कितनी क्वांटिटी में हमें चाहिए, जो डिपेंड करता है हमारी एज पर, डिपेंड करता है हमारे, मैंने कहा ना कि हमारे वर्क कल्चर पर डिपेंड करता है,
हमारे वेट पर डिपेंड करता है, हमारी हाइट पर डिपेंड करता है, इसलिए हर आदमी की जो फूड रिक्वायरमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमको अपनी ज़रूरत की पूर्ति के लिए चाहिए होते हैं। अगर हम इनमें से किसी एक प्रकार के न्यूट्रिएंट का सेवन ज़्यादा करें और दूसरे प्रकार के न्यूट्रिएंट का सेवन कम करें तो इसका जो परिणाम है वो हमारे शरीर में बहुत जल्दी दिखाई देने लगेगा, जो हमारे शरीर को क्या कर देगा, बीमार कर देगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को आज के लिए हम यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। कल हम अगले वीडियो में आगे से इस चैप्टर को फिर से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तब तक आप इस चैप्टर को रिवाइज कीजिए और सोचिए कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिसकी मदद से हम अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपना अपना पसंद का या अपने अपने ज़रूरत का भोजन कर सकें। तो इसी क्वेश्चन के साथ मैं आपको छोड़ती हूँ। अगर आपके पास कोई भी तरीका आपको समझ में आता है, ज़रूरी नहीं है कि वो तरीका सक्सेसफुल हो या ना हो, लेकिन आपने सोचा ये बड़ी बात है, तो आप मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।